ये बताइए, ये कद्दू लगभग 20 किलो से ज्यादा वजन हमें लगता है, और आपने आप इसको लेके कहाँ से आए? मैंने, और नमस्कार, ये हमारे यही घोड़ाखाल में पाया जाता है। अच्छा, घोड़ाखाल में ही लोकल है? घोड़ाखाल ये लोकल। और इसको हमारे लिए आपने काटा भी पहले, सबसे पहले, और ये देखिए एक पीस ये हमारे लिए बनाया जा रहा है ले जाने को। जी जी, हाँ, बहुत बढ़िया। माने और ये कद्दू जो है, हाँ, ये कद्दू नहीं है, इसको काशी फल भी कहते हैं लोग। हाँ, काशी फल भी कहते हैं। काशी माने बनारस, वाराणसी। क्या बात है, है ना, इसको लोग हल्के ढंग से। कोई कोई इसको शायद सीताफल भी कहता है क्या? ना ना, सीताफल अलग है सर। अच्छा, सीताफल वो अलग है जो है। हाँ, वो सीताफल में आपने देखे होंगे, एक हरा सा फल आता है, छोटा सा, छोटा सोता, छदे छदे छदे, शरीफा जैसे। शरीफा ही, उसको ये जो है काशी फल कहलाता है। खैर, इतना बड़ा कद्दू तो कमी हमने देखा है, ये 20 किलो से ज्यादा ही होगा। कद्दू कहले या काशी फल कहले, जो भी कहिए, बोलचाल की भाषा में कद्दू कहेंगे, और आप जैसे विद्वानों की संगत में इसको हम काशी फल बोला रहे हैं। जोशी जी, ऐसे ना बोलिए, ऐसे ना बोलिए जोशी जी, आप पारंगत हैं। आपको मैंने हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, हमारी तरफ की अवधी, बहुत सारी भाषाओं बोलते हुए मैंने देखा है।